नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। राजधानी लखनऊ के थाना इंदिरा नगर इलाके के मायावती कॉलोनी के पास राम विहार फेज 2 में उस समय हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। आग लगने से पूरा घर जलकर खाक हो गया। जब तक घर में मौजूद लोगों में से किसी को पता चलता कि उसके पहले ही एक मासूम बच्चे समेत हादसे में 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देखिए, ये घटना लगभग सूचना 3 बजे की है, मॉर्निंग में 3 बजे की सूचना मिली है गामा द्वारा कि एक मकान में, जो मायावती कॉलोनी के एक मकान में कुछ आग की सूचना मिली थी। तो मौके पर तत्काल इंदिरा नगर से गाड़ियां भेजी गई। तो गाड़ी पहुंचने के पश्चात ये देखा गया कि आग थोड़ी सी बड़ी है। उसके बाद हम लोग गंज से और गोमती नगर से और गाड़ियों की भिजवाए हैं और लगभग 8 से 10 गाड़ियां यहां पे काम कर रही हैं। कितनी देर हुई? अब 3 बजे की घटना है और आप इस समय लगभग 6 बज रहे हैं। आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। कुछ लोग अंदर फंसे हुए थे जिनको निकाल लिया गया है और उनको नज़दीकी हॉस्पिटल में भेज दिया गया। कितनी देर हुई पता चला? देखिए, उसके बारे में जो लोग फंसे थे अंदर उनको निकाल लिया गया है, सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया है। अब ये तो वहीं से कंफर्म होगा कि उनकी क्या पोजीशन है। उनकी पोजीशन बारे बारे में गोदाम था। देखिए, यहाँ पे एक गैस का जो चूल्हा है उसके पार्ट्स हैं, उसमें रिफिल करने वाले गैस के छोटे छोटे सिलेंडर्स हैं और उसी के जो भी पार्ट्स होते हैं वो सब रखा हुआ है। गोदाम के रूप में हाई रेजिडेंशियल, लेकिन इसको गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 चरण के मतदान के बाद 5वें चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर स्टेट जनरल सेक्रेटरी विद्या सागर सोनकर ने अपनी मौजूदगी में सीतापुर, जौनपुर और कानपुर के लोगों से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं ज्वाइन करने वाले लोगों से 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिम्मेदारी दी गई कि विद्या सागर सोनकर ने कहा कि सभी कार्यकर्ता जनता के बीच भारत सरकार की योजनाओं को बताएं और मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाएं। देखें पूरी रिपोर्ट हमारे सहयोगी हिमांशु वर्मा के साथ। प्रभावशाली नेतृत्व है सीतापुर में, लोकसभा में आपका बहुत ही, और इसी क्रम में श्री यतीन अवस्थी जी आप भी ब्लॉक प्रमुख रहे, चेयरमैन सहकारी संघ रहे, ग्राम प्रधान रहे, ऐसे लगातार आप जनप्रतिनिधि के रूप में आपने जमीनी काम किया है। आपका स्वागत अभिनंदन है। मैं श्री राजीव मिश्रा जी आ जाएंगे। राजीव मिश्रा जी आ जाएंगे। आइए मिर्गेन जी को कर दीजिए। मिर्गेन जी शिव बाबा, आप जौनपुर से हैं, प्रदेश महासचिव लोकदल उत्तर प्रदेश, और आप वहाँ की एक रियासत हैं, उस रियासत से ताल्लुक रखते हैं। राजीव मिश्रा जी आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मंडल उपाध्यक्ष सुशीला श्रीवास्तव द्वारा पारा के आरडीसो गुरुद्वारा में आयोजित जनसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र नीरज सिंह पहुंचे। 2014 से भी भारी जीत का मंत्र देते हुए नीरज सिंह मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं जनसभा में भारी जनता से सुशीला श्रीवास्तव ने राजनाथ सिंह की जीत के लिए आग्रह किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। कंधा देते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र को कंधा देता है और सीमा लांघ कर जाते हैं और यहाँ की सेना उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार के आती है जो हमारी भूमि पर किसी तरह के आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं। और ये विपक्षी पार्टी वाले क्या पूछ रहे हैं, बोले कितने मारे, सेना पर शक कर रहे हैं। मुझे लगता है जो सेना पर शक कर रहे हैं ऐसे लोग ही अपने मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि देश 2014 लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से मोदी जी की लहर दिखाई दे रही थी, 2019 में वह लहर आंधी का रूप ले गई। और आप देखेंगे केवल लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत के अंदर
केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी। करीबन पिछली बार 282 सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी, पर जिस प्रकार का जन समर्थन और जिस प्रकार का विश्वास आज कार्यकर्ताओं के मन में और जनता के मन में, मुझे लगता है ये आंकड़ा अगर 325 के ऊपर चला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, आज कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी पे नागरिकता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ये एक देश में गुमराह करने की कोशिश है बीजेपी की। देखिए, वो कानूनी प्रक्रिया है, किसी ने शिकायत करी थी और वह शिकायत के आधार पर उनको नोटिस दिया है। मैं समझता हूँ कि उसका वह जवाब देंगे। अगर सब कुछ पाक साफ है तो उसमें किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। सर, जिस प्रकार गठबंधन उत्तर प्रदेश में हावी है, क्या लग रहा है राजनाथ सिंह की कितना मुमकिन होगा ये चुनाव में? ये हावी है ये आपको किसने बता दिया? मुझे लगता है ये आपको पूर्ण जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी हावी नहीं है। हावी केवल भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, संगठनात्मक उनको बहुत अनुभव है। उन्होंने आज से 6 महीने पहले कह दिया था कि 73 की 74 होगी, 72 नहीं होगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ कि 73 की 74 होगी, 72 नहीं होने पाए। सर, हिंद राजनाथ सिंह ने रख भैया 14 की जो चल रहा है, नहीं पूरा माहौल है। आप जब जनता के बीच में जाएंगे, हम लोग तो अब पा रहे हैं और हमें ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ, चुनाव के बाद हम सब लोग जरूर मिलेंगे। आज वो लहर आंधी का रूप ले ली है और 282 के आंकड़े से हम लोग ऊपर जाएंगे पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में भी। हम सब लोग इतिहास को दोहराएंगे, नहीं इतिहास के सफलतम हम लोग इस बार यहाँ पर रिजल्ट देने का काम करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। राजधानी लखनऊ की गुड़म्बा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। वहीं बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों से वसूली और उनकी रैगिंग किया करते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कुकरैल जंगल की तरफ से जा रहे बदमाश मोहम्मद नयर सिवान बिहार निवासी और कफील अहमद को अरेस्ट किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे सहयोगी हिमांशु वर्मा के साथ। कौन लोग हैं और कैसे पकड़े गए और क्या करते हैं? ये मोहम्मद कफील और मोहम्मद नयर, ये दोनों लोग बिहार के रहने वाले हैं, एक सिवान के रहने वाले हैं और दूसरे जो है बेगूसराय के रहने वाले हैं। ये लोग इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ने के लिए आए थे, बाद में ये फेल हो गए वहाँ पे। छात्रों के दोनों लोग को रिस्ट्रिकेट कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्होंने वहाँ के छात्रों से लगातार रंगदारी मांगना, हॉस्टल में लोगों को परेशान करना, अवैध असलहे बिहार से लेके आना, ये सब इनका कार्य रहता था। और बीच में जो 14 से 17 के बीच में 2 जगह गोली चलाने में 307 के मुकदमे में वांछित रहे और लगातार फरार चल रहे थे और आए दिन रंगदारी की इनकी सूचना मिलती थी। कल एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ये लोग इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के रास्ते से, जो रास्ता गली की तरफ आता है, उस पर ये लोग आ रहे हैं। उस मोटरसाइकिल का नंबर मुखबिर ने बताया था, जिसे पुलिस ने गालाबंदी करके इन्हें पकड़ा। जब पकड़ा तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की। फिजिकल टैक्टिक्स का उपयोग करके पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 तमंचे भी बरामद किए। तमंचे लोग कहाँ से लाते थे? बिहार से कुछ पूछताछ इनसे हुई है, अभी कुछ और बाकी है, जिसमें पूरे तंत्र का पता करने का प्रयास पुलिस कर रही है। काले से फेल होने के नाते निकाले गए, बाद में लड़कों से रैंगिंग वैंगिंग करने की वजह से इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई थी। गैंग चला रहे थे क्या लोकल? ये गैंग कह सकते हैं, दोनों लोग मिलकर कभी छात्रों से पैसा वसूलना, इस तरह का काम करते थे। यहियागंज वार्ड कायस्तों वाली गली में 3 दर्जन से अधिक मकानों के लिए क्षेत्र में मात्र 1 हैंडपंप लगा है और आए दिन खराब भी रहता है, जबकि 1 माह से अधिक समय से जल्दी पानी नहीं आता है। आधे घंटे चलाने के बाद मटमैला गंदा पानी आ रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता को साफ पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं यहियागंज गुरुद्वारा के पास चरही पर लगी टंकी से नागरिकों को पानी लाना पड़ रहा है, जबकि इसकी शिकायत क्षेत्रीय नागरिकों ने जल निगम से अधिकारियों से भी की, उसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं यहियागंज पार्षद रजनीश गुप्ता ने जल निगम के क्षेत्रीय जेई को फोन द्वारा अवगत कराया है। अब देखना है भाजपा पार्षद का जेई पर कितना असर पड़ता है। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे Alive 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।